कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई तब तक बूचड़खानों के लिए मुसीबत लाई। हरित क्रांति को बढ़ावा देने की आस में हुक्मरानों ने गुलाबी क्रांति पर अपने फरमान का हथौड़ा हर बार चलाया, चाहे बात 1991 की दशक की हो या फिर साल 2017 की। वक्त बदला, सीएम का चेहरा बदला, कल्याण सिंह से योगी आदित्यनाथ आ गए, लेकिन हुक्म वही है। बीजेपी की सरकार में अच्छे दिन भले ही किसी के भी हो, पर बुरे दिन हमेशा अवैध बूचड़खानों के ही होते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कल्याण सिंह हो या योगी आदित्यनाथ, प्रदेश में नहीं चलेंगे अवैध कत्लखाने, बूचड़खानों पर लटके ताले, खाली हुए मजदूरों के हाथ, जानवरों को पड़े खाने के लाली, अब कैसे होगा देश से मीट निर्यात। साल 1991, उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा सत्ता पर काबिज हुई। उस वक्त भी मांस कारोबारियों के सामने इकाई स्थापित करने की समस्या थी। तमाम हिंदू धार्मिक समूहों ने इकाई स्थापित करने का जोर शोर से विरोध किया और इस विरोध में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी उनका साथ दिया था। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ अवैध बूचड़खानों के खिलाफ खड़े हैं। योगी ने भी कल्याण सिंह की तरह अवैध बूचड़खानों को बंद करने का अपना फरमान तो सुना दिया, लेकिन अब इस फैसले से घबराए मांस उद्योग से जुड़े कारोबारियों की सांस टूटने लगी है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बूचड़खाने बंद होने से बेरोजगार हुए लोगों के हाथ खाली हैं। राज्य में करीब 50,000 से ज्यादा मीट की दुकानें गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही हैं। पूरे यूपी में अवैध मीट का कारोबार करीब 60 करोड़ रुपए रोज का है। अवैध मीट कारोबार में कत्लखानों से जुड़े मजदूरों की संख्या करीब 12,000 है। मजदूरों को काम करने के लिए 300 रुपए दिए जाते हैं, यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो एक मजदूर महीने का 15,000 रुपए कमा लेता है। कारण ये कि इन लोगों ने किसी चीज का कोई मौका नहीं दिया। प्लस हमारे जो लाइसेंस है 2014 के हैं, 16 के भी है हमारे पास। आपके लाइसेंस था? लाइसेंस है, अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं। 4-5 रोज के मजदूरी करने वाले लोग हैं। घर की फैमिली 8-10 लोगों की फैमिली है। एक हफ्ते के अंदर आप कितना मतलब वो कर सकते हैं खर्चा? 5,000 रुपये भी अगर हम कमाते हैं तो एक हफ्ते तक भैया हमारा खर्चा चलिए। अब हम जो बताओ क्या करें, कोई व्यापार हमारा है नहीं इसके अलावा, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, कहें तो किससे कहें, कौन हमारी परेशानी दूर करेगा? भाई हम लोग भूखे मर रहे हैं, क्या आत्महत्या करने के लिए मोहताज कर रही है सरकार हमें? कोई बात नहीं, आत्महत्या भी कर लेंगे भाई हम लोग। मैं पूरा आगरा में घूम रहा हूँ और लास्ट मेरा घटिया ही था, उसके बाद तो मैं घर ही आ रहा हूँ। उसमें अभी कहाँ कहाँ हो क्या? मैं तो पूरा आगरा में घूम जाऊँ, कहीं नहीं मिल रहा, सब दुकानें बंद है। अभी तो कहना मुश्किल है, बट ये कि हमें तो दिक्कत हो रही है, हम तो खाते हैं नॉनवेज। बूचड़खानों के बंद होने से जहां एक तरफ यूपी के मजदूर रोजी रोटी के लिए मजबूर हैं, वहीं देश के राजकोष में भी इसका असर देखने को मिला है। जब दुकानें ही बंद हो जाएंगी तो निर्यात कहां से होगा? मांस के निर्यात में इस बार भारी कमी की आशंका जताई जा रही है और देश को 4,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो देश भर से करीब 4 अरब डॉलर के भैंस का मांस का निर्यात किया जाता है, जिससे भारत को 26,681 करोड़ की कमाई होती है। भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश से ही मीट का निर्यात होता है। मीट का निर्यात करने में उत्तर प्रदेश अकेला ही 35% की हिस्सेदारी निभाता है। बेरोजगारों ने तो अपना दुख सीएम योगी को सुना दिया, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या, जिनके प्राण भी योगी के हुक्म से संकट में पड़ गए? इन बेजुबान जानवरों का दुख योगी आदित्यनाथ तक कौन पहुंचाएगा? दुकानों के बंद होने से मांसाहारी पशुओं की जिंदगी संकट में है। बूचड़खानों पर ताले लगने के बाद लखनऊ और कानपुर चिड़ियाघर में रहने वाले मांसाहारी जानवरों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में बाघ, शेर, भालू आदि कई मांसाहारी जानवरों के लिए रोजाना 200 किलो मीट की सप्लाई हो रही थी, वहीं अब इसके आधे मीट की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। चिड़ियाघर में बब्बर शेर और चीता रोजाना 12 किलो मांस खाते हैं, वहीं बिल्ली 2, सियार 2, पैंथर 5 किलो तक कच्चा मांस खाते हैं, लेकिन अब उन्हें भूखे रहकर अपने दिन काटने पड़ रहे हैं। उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। ये रिवायत सदियों पुरानी है। सत्ता के साथ साथ नियम कायदे कानून भी बदलते हैं, जो कहीं ना कहीं आवाम को प्रभावित करते हैं। यूपी में भी बूचड़खाने बंद होने से निर्यात घटने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों का रोजगार छिन गया है,
तो वहीं बेजुबान जानवरों को भी भूखा रहना पड़ रहा है। लेकिन जितना जरूरी अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई है, उतना ही जरूरी है इस पेशे से जुड़े लोगों का ख्याल रखना। तो सीएम योगी के एक्शन के बाद अवैध बूचड़खानों पर ताले तो लटक गए, लेकिन इससे कई सारी परेशानियां भी खड़ी हो गई है। सरकार का ये फैसला कितना सही है, इससे कितना लाभ होगा और कितना नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।